दोस्तों आज मैं ऐसा कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका ग्रोथ एकदम क्लियर दिख रहा है एंड जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि आपको फंटास्टिक रिटर्न्स मिले बाय इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक तो कंपनी का फाइनेंशियल का बात करें तो उसका सेल्स 2018 को था थर्टी फिर दो को इट वेंट अपू थर्टी फोर थाउजेंड सेवन फोर्टी को थर्टी फिर 2021 को

19% है। और वहीं नेट प्रॉफिट का बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2018 को था 3800 करोड़ फिर 2019 को इट वेंट अप टू 4300 करोड़

अब देखिये फेबर दो हजार अठारह करेंटीन हंड्रेड एंड अठारह सौ तक चला गया और वहां से अराउंड ट्वेंटी दो महीने का है दो साल पहले ढाई महीने का था तो पंद्रह दिन एक्चुअली कम हुआ है इन इट्स रिसीवेबल डेज और शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर्स के पास थर्टी फाइव परसेंट है एफ आई आर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी थर्टी फाइव परसेंट है और फाइनली यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 17% है तो ऑलमोस्ट एट परसेंट तो इन तीनों के पास ही कॉर्नर के पास केवल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ इतना है मार्केट कैप अराउंड वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड क्रोज और कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड ये कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज करती है ज न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी लाइक फाइव जी ब्लॉक चेन एंड साइबर सिक्योरिटी इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ट्राई करिए कंपनी प्रोवाइड करने का एक्चुअली कंपनी का प्लान है टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज टू इट्स

विजयवाड़ा और भुवनेश्वर और कंपनी का कहना है कि मेक्सिको में तो काफी समय से पर पिछले कुछ समय में मेक्सिको से बहुत अच्छा बिजनेस मिला है इनफैक्ट ग्रोन बाय टू टाइम्स इन द रीसेंट टाइम्स इन मेक्सिको कंपनी कुछ समय पहले इन्वेस्ट की थी इन अ ब्लॉकचेन कंपनी इन यूरोप एंड नाउ दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाई बिकॉज मेटावर्स ना एफ टी नेम्स और इस कारण से कंपनी को काफी फायदा होने वाला है बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सी इज गोइन टू ग्रो ओनली इन द नियर फ्यूचर कंपनी इज ऑल्सो पार्टनर विद महिंद्रा रेसिंग टू डेवलप इस न्यू ईवी रेसिंग कार्स और कंपनी का कहना है कि अपनी इंजीनियरिंग केपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कंपनी माइ टू इन्वेस्ट इन मोर कंपनी कंपनी का मानना है कि एक्सपैंड तो करना ही होगा बट इन अ मोर

के कारण कंपनी के पास काफी है ऊपर से इतने साल से इस लाइन ऑफ बिजनेस में रही है इसलिए नेटवर्केड इस तो तो विद्लाउड और जैसे मैंने कहा लोग हायर कर इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है कि देखिये एम्प्लॉय कॉस्ट कम रहता है इनफैक्ट फिफ्टी परसेंट कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉज लोअर द कंपनी इज हायरिंग फ्रॉम और केवल यही नहीं लेस ड्रॉप आउट रेट भी है इन दिस तो दोनों तरफ से कंपनी को फायदा हो रहा है तो ध्यान रखिए लोग जो जॉब ढूंढ रहे और टीयर टू टाउन या सिटीज को बिलोंग करते अभी कंपनी काफी हायर करेगी इस साल आठ हजार करीबन क्लास क्वार्टर में हायर की अगले साल भी कंपनी का प्लान है मोर देन टेन थाउजेंड एम्प्लॉयज हायर करने का फ्रॉम दिस टाउन स्पेशली जैसे आप देख रहे हो कोई हो गया फिर नागपुर हो गया फिर आपके वाइजाग हो गया ट्रिवाड्रम भुवनेश्वर चंडीगढ़ इंदौर विजयवाड़ा तो ये सब सिटीज या टाउन्स को बिलोंग करते या और भी कोई भी टी टू सिटीज या टाउन्स को बिलोंग करते तो आप ध्यान में रखिएगा इफ यू वांट टू गेट अ जॉब यू कैन कॉन्टैक्ट दिस कंपनी एंड मोस्ट प्रॉब्लम आपका चांसेस विल बी मच हायर ऑफ गेटिंग अ जॉब इन दिस कंपनी सिंस दे आर हायरिंग प्रेटी अग्रेसिवली और आगे बढ़ने के पहले ये बता दू कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है पहला रूपीज फाइव थाउजेंड में जहां मैं दस स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा ₹7000 में वेयर बी शेडिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स और बाकी ₹10000 में जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो देखिए इस कंपनी का मुझे ऑफ़ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है तो वहां के इट कैन फेस हेडविंस ऑन अ ऑफ Adverse currency movements, especially major currencies करेंसी like USD, करेंसीज लाइक यूएसडी जीबीपी कंपनी यूरो पॉलिसी फॉलो करती है जिससे काफी देखा द ओवरसीज एम्प्लॉयज इन द रिस्पेक्टिव करेंसीज एक्चुअली मिटिगेशन इसके अलावा अभी भी कुछ ऑनगोइंग गोइंग और लीगल प्रोसीडिंग चल रहे बाइ डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज pertaining to the financial irregularities of Satyam Computers. Basically, January 2009 में Satyam Computers का scandal break out हुआ था. और on June 2009 में ये company majority stake acquire कर ली Satyam Computers में. Then it rebranded to Mahindra Satyam. और फिर 2013 में ये merge कर ली with Tech Mahindra. तो अगर आपको आज का video अच्छा लगा, तो like, subscribe और share जरूर करेगा. और इसी type के मैं on interesting companies आपके सामने लाता रहूँगा. Thank you very much for listening to me. Bye bye and take care.